उत्तर तेरा बाहर निकले साइड से। तो कितनी लड़कियां इधर हो उनमें सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भाई जिम व्लॉग बनाएंगे एंड बढ़िया। मेरे को पता है काफी टाइम से ना अपने चैनल पे व्लॉग वगैरह नहीं आ पा रहे क्योंकि आपको पता है अपनी थार का हो रहा है काम, अच्छे अपने भाई आ रहे हैं दूसरी गाड़ी में। आज बढ़िया सा जिम व्लॉग बना के अपलोड कर देंगे और फुल बकचोदी के साथ एंड बढ़िया व्लॉग बनाएंगे। बाकी अब चलते हैं जिम, बोस्टन जिम आ चुके हैं। पहले हीटअप वगैरह करेंगे बॉडी को, फिर करेंगे एंड बढ़िया वर्कआउट। तो भाई वार्म अप वगैरह कर लिया, बाकी अब वर्कआउट शुरू कर रहे हैं। पहले चिन अप वगैरह मार रहे हैं, उसके बाद ये तो अपना बैक का वर्कआउट करेंगे। बाकी मेरी आज बाइट राई है, मैं बाइट राई करूँगा आज। यहाँ जिम में पेंट वगैरह हो रहा है। भाई ये वो लड़के हैं जो जिम में आके फ़ोन पे आशिकी करते हैं भाई, एक घंटे से लगा हुआ फ़ोन पे लगातार, कभी इस कोने में जा रहे कभी इस कोने में जा रहे। सही बात है भाई। इधर ये बंदे पसीना देखो कितना, ये देखो भाई फुल वर्कआउट दिखाएंगे, पंप आएंगे पंप दिखाएंगे भाई। बाकी भाई अब सारी बाइट राई कर रहे हैं और ये डंबल वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, पेंट वगैरह चल रहा है जिम के अंदर। हैं भाई भाई बच गया भाई, इनक्लाइन पे डंबल मार रहे हैं अभी। तू इतनी देर से किसके साथ बात कर रहा था भाई? मैं कर रहा था बात, किसी का फोन आया था। किसी का? भाई का आया था किसी। भाई का तो नहीं, बहन जो दो दो घंटे भाइयों से बात करता तू। क्या कर लियो काट, गे बॉय है क्या? काट वीडियो इसके बाद करी स्ट्रगल देखो भाई बॉडी के पीछे का राज ऐसे ना हमें तुम देखो क्या चुप गया ये बैठता क्यों ऐसी ऐसी जगह पे, चुभेगा ही और कुछ हेयर नीचे आपके वाले शौक नहीं है हमारे भाई शौक। फिर इधर बैठा क्यों, देखियो भाई इधर आके बैठ रहा है। पसीना लगाओ करो पसीना लगाओ यार, देख के लगा पसीना यार। तुम तो भाई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बकचोदी करने आए हो सारे। बैठ टूटी पे ऐसे ही बैठता है क्या बहन चो, टेढ़ा हो गया। गाना चेंज कर। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। चल यू आर ऑलवेज राइट बिकॉज़ यू आर गर्ल। नो ब्रो गर्ल तो तू बैठा, देख चुत्तड़ तेरा बाहर निकल साइड से। इसके एक्सरसाइज की बहुत चोट दो करो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोल तो गाइस ये समझे 7:30 से 5 पे आ गया। तो गाइस यही होता है, पहले जब आप जिम में जोर मारते हो और उसके बाद जाके कहीं और मार के आते हो। राइट राइट ब्रो, जय श्री राम जय श्री राम। आ जाओ भाई अब तुम भी मारो जो इतनी स्पोर्टिंग। देख ये भी कौन सा डंबल उठाया था मैंने इसमें से, पटी कितने काट देख के, ढाई का, ढाई का नहीं 2.25 12.5 का उठाया था बेशर्म। तूने वैसे उठाया था, जागीर का पेज गिर गया नीचे। ओए ये देखो गाइस ये क्या निकला, जागीर का टट्टा। अभी 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 ये भाई एक क्लिप थी वो जागृत की, जागृत कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था उसमें, जागृत का MMS वायरल हुआ था। जागृत भाई बताइयो कुछ भी था भाई, तू कह रहा था कुछ यहाँ से निकल गया, यहाँ से फ्लाइट तू सो तेरा फ्लाइट निकल गई उधर से फाड़ती हुई छाती। जागृत कमजोर कैसे हो गया भाई, तू हुई काला नहीं, तू कमजोर कैसे हो गया, पी की तेरे को लड़कियां वर्कआउट कराने। जागृत बेचारे को ना 3-4 लड़कियां आई, जागृत को पकड़ के पी गई भाई, कमजोर हो गया तब से। काश तेरे वो बेगी चक्कर भाई पी गई तभी तो देख तेरी टांगे हैं पतली पतली सी। एक सॉन्ग का तो बदल गया मैंने तो, तेरे से मोटा तो पट्टा मेरा। अच्छा तेरे से मोटा तो फिर मेरा, चल छोड़ भाई मैं क्या बोलूं अलग। देख हाथ ला के बिल्लो तू डोड़ा यार दा, ये एक्सरसाइज देखो कैसे करेगा भाई, देखना भाई तो
ब्लैकआउट हो गया दो रैप के बाद जागृत को हुआ ब्लैकआउट कितनी लड़कियां इधर हों मतलब एक भी क्या भाई दिख गया सारा कुछ एक भी नहीं है भाई मैसेज आ रखा दिया का रिप्लाई तो दे दे यार उसको बेचारी वेट कर रही होगी कौन दिया भाई कौन? दिया भाई खोल स्नैप पता चल जाएगा चलो यार चलना डाइट डूट ले मत लेकिन डाइट डूट करा क्या जो डाइट लेगा भाई एक फेक आईडी बनाई थी राधिका ब्रोए के नाम से बेचारा जागृत उसको पूरा आयन मैसेज मैसेज पूरा फ्लर्ट फ्लर्ट बहन के लोड़े चैट डाल दूंगा ज्यादा ना बोलियो डाल दू और जे नहीं है आपके पास कुत्ता कौन सा है आप कहाँ रहते हो मैं भी सेक्टर 7 में गेड़ी मारने आ रहा हूँ ये वो ये है क्या चल बर्सडी के हो ही थी बात संचित राधिका ब्रो याद है राधिका ब्रोए सो भाई वर्कआउट वगैरह कर लिया अब डाइट लेने आया हैं मतलब चिकन वगैरह तो आज खा नहीं सकते क्योंकि ट्यूसडे है सो देखते हैं पनीर सैंडविच वगैरह खाएंगे ठीक है भाई तो भाई पनीर सैंडविच खा रहे हैं तो टेस्ट रिव्यू आए हाए अच्छा भाई हेल्दी है हेल्दी है भाई हेल्दी खा रहे हैं चूतिया हो गया अग्गी आ जा अग्गी आ जा अग्गी आ जा भाई आ जा जागृत को गेड़ी का चस्का लग गया मेरे को गेड़ी का चस्का भाई भाई मेरे को है बोस ली के बैंड के लंड तुमने लेके गया है खा जा अल्लाह सो भाई आज जैसे कि ट्यूसडे है तो मंदिर वगैरह जा रहे हैं सारे भाई सो भाई मंदिर वगैरह हुआ है एकदम बढ़िया दर्शन हो गए भाई पीछे चल रहा है ये चौंक सा है उसकी जाली से उतार रहे हैं ग्रिल है मतलब स्मैकी है जाली बेच रहे हैं उसको अब उठा के लेके जाएंगे और उसको बेच देंगे सुबह जागृत तेरे को रोकना नहीं चाहिए ऐसे बंदा को तुम रोक लो भाई तू रोक पकड़ भाई। लेंगे अभी भाई जागृत को रोकना चाहिए ना हेलो गाइस वेलकम बैक टू डे 2 और i20 का ना टायर वगैरह पंचर हो गया था सो हम आए थे यहाँ पे पंचर वगैरह लगवा रहे हैं i20 का और बाकी ना एक मेरे ना दिमाग में एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि अब कैरियर थार का रखें या ना रखें या स्नोर्कल लगा लें क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ लगेगी बाकी अब ना जो अपनी गाड़ी बनी है ना उसके हिसाब से ना कैरियर क्या लुक दे रहा है मैं आपको बता नहीं सकता और मतलब पहले मैं मान रहा हूँ इतना अच्छा नहीं लगता था कैरियर बट अब जो लग रहा है ना जैसे ताज होता है ना ताज वैसा लग रहा है मतलब बिल्कुल ही एक तो ज़बरदस्त कार बना दिया गगन भैया ने और ऊपर से कैरियर भी अब अच्छा लग रहा है सो गगन भैया तो कह रहे हैं कैरियर रखो पर मैं सोच रहा हूँ कैरियर तो पहले भी लगा हुआ था अभी थोड़ा लुक वगैरह चेंज करने के लिए स्नोर्कल लगा देते हैं बट गगन भैया कह रहे हैं थोड़े रुक जो स्नोर्कल ना लगवाओ अभी बाकी अब कल दिल्ली जा रहा हूँ मैं देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते बाकी आप भी कमेंट में बता दो कैरियर लगाएं या ना लगाएं प्यार से निकाल लो जैसे प्यार से उसने मेरे दिल में छेद कर दिया था सो भाई अब वॉश वगैरह कराने आ गए हैं i20 सो करवाते हैं फटाफट वॉश फिर देखते हैं कटिंग वगैरह करवाएंगे आज सो भाई ना वॉशिंग हो पाई ना मेरी कटिंग हो पाई वॉशिंग तो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे एक घंटा लगना था अब एक घंटा कौन रुके उधर मैं कहा रह नहीं देते हैं चलो और कटिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भाई जिस भाई से मैं कटिंग करवाता हूँ वो आज आए नहीं बाकी दोनों काम नहीं हो पाए आज अपने गगन भैया ना फोटो वगैरह डालते रहते हैं थार की मतलब मन करता है बस एक बार हाथ में आ जाए ना ऐसे 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 करके ट्रैक से निकाल देने हैं हर ट्रैक से भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है ना बस ये लगा लो आप 4 से 5 दिन रुक जाओ बस 4 से 5 दिन आग लगा देगी गाड़ी इतनी बात है भाई पक्की बात है आग लगा देगी गाड़ी इतनी ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है ना गगन भैया ने मैं मतलब बता ही नहीं सकता बस वेट एंड वॉच थोड़े दिन रुक जाओ बस सिस्टम हैंग कर देंगे बाकी और ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग